respected dignitaries, sangais, and all the spiritual, religious, political leaders, and the beautiful August congregation. Very happy to be here. Very, very happy. Thank you. Honor to be here, to be present in this August gathering. Few points came to my mind when I saw this topic, harmony in India. One thing I would like to share it in Hindi, क्योंकि हिंदी में इसका impact अच्छा होता है. Harmony. Brahma Kumari इसका जो हमारी पहली head थी, she left body in 2007. दादी जी हम कहते थे, आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा उनको, प्रकाशमणि दादी. She used to always say, harmony is not a very big thing. Harmony माना हार मानी. दोनों झगड़ रहे हैं, तू तू मैं कर रहे हैं, आई जस्ट से सॉरी, दैट्स ओवर. मेरी गलती नहीं है, दैट्स फाइन. इवन इफ इट इज नॉट माय मिस्टेक, इफ आई से इट्स ओके, आई एम सॉरी, फिनिश. इट्स सो सिंपल टू ब्रिंग अबाउट हार्मनी, बट दैट सॉरी इज नॉट रियली दैट बिकम्स द ईगो. व्हाई शुड आई से सॉरी? It is a very simple way to solve any problem with anyone in the world. Forget about religion or forget about education, caste, creed, कोई जरूरत नहीं है. Simply हार मान लो, harmony आ जाएगी. मैं ही करते रहेंगे तो harmony कभी नहीं आने वाली. It will be always conflict. तो दादी का point मुझे बहुत अच्छा लगता था, so I thought I will share. When coming up discussing with sister that whatever we speak, रियली स्पीकिंग, अभी भाई जी ने भी कहा, सारे जहाँ से अच्छा इंदौर का हमारा. वेन वी हैव दैट नेशनल स्पिरिट, मेरा भारत महान, वी डोंट गो इन टू हिंदू मुस्लिम सिस्टम, जैन, दैट इज ऑल वेरी वेरी माइनर थिंग. दे आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट वेन इट कम्स टू माई नेशन, टू माई कंट्री, माई इंडिया, माई भारत. अपने आप आई गिव नेचुरल वे दैट इज प्योरिटी स्पिरिट, दैट इज मोर दैन, दैट इज वन मोर थिंग. एंड वन मोर स्पेक्टर ब्रदर वॉज सेइंग समथिंग अबाउट द कल्चर. सो उस समय एक थॉट आया, वेन वी स्पीक अबाउट रिलीजन वी आर वेरी मच डिवाइडेड, विच इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट एंड नॉट रियली गुड ऑल्सो. वेन वी स्पीक अबाउट कल्चर, इंडिया का कल्चर क्या है? इंडिया का कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम. इंडिया ने कभी नहीं सिखाया तो ऐसा ये नो नेवर. एंड वी ऑल से गॉड इज वन, डोंट वी सी दैट? वी ऑल से दैट, यू कॉल इट ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, यहोवा, व्हाटएवर यू कॉल, अल्टीमेटली वी से गॉड इज वन. यहाँ कोई भी बोलता है देयर आर टू गॉड, डू वी हैव इन इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड जीओडीएस? जीओडीएस रॉन्ग इंग्लिश, जीओडी राइट इंग्लिश. व्हेन वी आर children of one, we all say God's father. Then children of one father, so obviously we are all brothers. And Brahma Kumaris very much emphasized on universal brotherhood in its real meaning, mana sahi maine mein. बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, वो सब ठीक है. How much love I feel for my own brother, do I feel that love? If that love is not there, simply saying आप मेरे भाई हो, एक राखी बांध दिया तो that is not over. That spirit will only come when I understand that we are all spiritual divine life, soul, atma, रूह, spirit. रूहानी नूर कहते हैं ना, कि नूर माना बॉट, ये भी नूर ही है, ये भी प्रकाशी है, ये रूहानी नहीं है, दिस इज फिजिकल. रूहानी इज द सोल दैट इज शाइनिंग हियर. एंड आई वॉज ट्राइंग टू प्रैक्टिस इट नाउ एंड देन, अभी यहाँ बैठ के भी आई वॉज ट्राइंग टू बी ऑल ब्यूटिफुल सोल सिटिंग अराउंड मी, एंड आई रियली फेल सो नाइस फ्रॉम इनसाइड. इमेजिन जस्ट फॉर वन सेकेंड और फ्यू सेकेंड, ट्राई टू सी ऑल दिस बॉडीज आर वैनिश्ड. No male, no female, nothing. No Hindu, no Muslim, no Christian, nothing. I'm just a divine star. This is a gathering of beautiful, pure, divine star. It's so sweet. It is so loving. Natural flow of love will be there. We don't have to create it. It is there. Only when I see you as my own brother.
ब्रह्मा कुमारीज का यही तरीका है. सबसे पहला हमारा स्टेप ही है बिफोर थिंकिंग ऑफ गॉड. वेरी ऑफन हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में वी ब्रिंग गॉड ऑल्सो इन टू पिक्चर. नो डाउट इज इम्पॉर्टेंट, ही इज द ऑलमाइटी. एक बात सीधी है, जब हम खुदा लिखना चाहते हैं पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं खुद. खुद को एक लाइन लगा दी, खुदा हो गया. खुद मी आई एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी मोर देन गॉड आल्सो, बिकॉज अनलेस खुद देयर इज नो खुदा. So I need to understand myself when I know I am a soul, a spirit, a beautiful, pure, divine light shining in the forehead. I'm able to see every person in that beautiful way. And I really tried it. Honestly, I was trying to feel so many little stars are sitting. Holy Holy Sarvangana. Name Elame Adhanam. They are all souls. So that little change in consciousness will bring about harmony in no time, just to change the consciousness. I request all of you, please try to practice this at least few times a day, whenever you remember. As soon as I see anybody in front of me old, he may be my enemy also, usne mere liye problem taiyar kiya hoga, even then I see it as a beautiful tiny star, a living energy, a child of God. And I feel, yes, this is my brother. थोड़ा सा भटका हुआ है, and that's okay. हमारा अपना भाई भी तो कभी कभी भटकता है ना, अपने बच्चे भी तो भटकते हैं ना. They go little out of the way to do some mistake. That's okay. I'm ready to forgive because they are my brothers. And they are able to forgive them. मेरा ही भाई है ना, चलता है. The small change in consciousness, not really small, it is big only, but then it's very important. And Brahma Kumari's agenda for bringing about that universal peace or that brotherhood, concept of brotherhood, yahi hai. Understand yourself to be a soul, the child of the Supreme Soul. I'm the soul and my father is Supreme Soul. We all belong to same family, sharing this earth as our home. And it is our duty to take care of our home. तो इतना एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. हम बात कर रहे थे जब कोविड आया था भारत में कितना यूनिटी का स्पिरिट था, सभी ने देखा होगा. वी वॉच ऑन न्यूज चैनल, व्हाट्सएप, देयर वाज नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन. एब्सोल्युटली एवरीबॉडी वाज हेल्पिंग ईच अदर. जब कैलामिटी आती है, प्रॉब्लम आता है, वी फॉरगेट अवर डिफरेंसेस. Why we have to wait for that calamity to come? Or a COVID chahiye kya? Necessary. So that again we have that spiritual love, that bonding, not necessary. Without calamity we can have that. Pehle se preparation. Ek hai medicine, ek hai vaccination. Let us go for vaccination rather than medicine. Vaccination is, I am prepared for anything. Such a big family with me. मुझे क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे भाई बहने बैठे हैं. भाई बहने भी नहीं, एक्चुअली भाई. यूनिवर्सल ब्रदरहुड. एज अ सोल देयर आर नो सिस्टर्स. वी ऑलवेज स्पीक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नॉट ब्रदर सिस्टरहुड. सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटिफुल ईजी सोल्यूशन, दैट वी आर ऑल सोल ब्रदर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ वन. अगर इतना एक चेंज करेंगे, आई थिंक many of the problems will be solved. In fact, all of the problems are solved. Personal problem or global problem. Because harmony is a global problem. It is not only for our country. It is everywhere. All the countries are facing the same problem. So this one small change can bring about a major, major change. And with this hope, when we see such a beautiful gathering, बहुत ज़्यादा hopes है कि no time we will have a very, very harmonious India. I don't say harmonious India, actually we will have a very harmonious world. हम सिर्फ भारत के लिए क्यों concept रखें? Why don't we go outside Bharat also? The whole world will enjoy that beautiful harmony among ourselves and also with the nature. क्योंकि harmony with nature is equally important. Daily we are seeing what is happening with the nature. Harmony among ourselves and harmony with the nature. And I'm able to visualize that work in very, very near future with all of you giving your contribution.
आप सबकी लीडरशिप में ये काम बहुत आसानी से होगा. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू ऑल फॉर